मैंने पहले ही बता दिया, मुझे पता है मुझे ढूंढते हुए छत पे आएंगे तो आएंगे। हाँ मुझे पता था तुम मुझे ढूंढते हुए जरूर आओगे। तो चलिए गाइस, मैं यहाँ पे काफ़ी देर से बैठी हुई हूँ, पतिदेव भी नहीं है घर पे और कभी कभी अकेला पन्ना गाइस। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आज गाइस मैं शाम के 5 बजे ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, घड़ी में बज रहे हैं 5, आपको दिख रहा होगा, और बिल्कुल ही अंधेरा हो चुका है प्रॉपर तरह से क्योंकि इतनी तेज़ का बादल हुआ बाहर, क्या बताऊँ। वैसे दिल्ली में इतनी पानी हो रही है, ऊपर से इतना तेज़ का बादल हुआ। मैं आपको अपना कमरा दिखा देती हूँ लाइट बंद करने के बाद, तो आप देख सकते होगा इस प्रॉपर अंधेरा हो चुका है कमरे में, बिल्कुल भी उजाला नहीं है क्योंकि मौसम ही इतना ख़राब है। तो मैं बाहर आ गई हूँ, बाहर का व्यू मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ भाई, इतना ज़्यादा प्यारा हो रहा है मैं क्या बताऊँ आपको। तो गाइस आप बादल देख सकते हो, इतने घने बादल हो रहे हैं, इसी वजह से पूरा अंधेरा हो चुका है। यहाँ पे कबूतरें एंजॉय कर रही हैं क्योंकि सबको मौसम प्यारा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हमारे पौधे हैं गाइस, आप देख सकते हो बारिश में बिल्कुल ही प्यारे हो गए, हरे भरे से। जब भी फूल छोटे होते हैं कीड़े लग रहे हैं, तो सारे पौधे बहुत अच्छे हो रहे हैं बारिश की वजह से। और गाइस हमने कड़ी पत्ता लगाया था, पता नहीं ये ऐसे ही लगता है या सूख गया, समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ इसका। पतिदेव भी नीचे आ गए हैं, तो गाइस हमारे पतिदेव नीचे आ गए हैं, अभी देखना तुरंत वो ऊपर आके पहुँचेंगे, मुझे पता है, क्योंकि वो कमरे में मैं ना मिलूँ तो वो ढूंढेंगे ज़रूर, और मुझे पता है वो तुरंत ही आएंगे। तो देखती हूँ कितनी देर में आते हैं, अभी तो ढूंढ रहे हैं, पहले बाथरूम किचन में ढूंढ लेंगे जब ही आएंगे। तो मौसम बहुत प्यारा है गाइस, आपको दिख रहा होगा, हाँ मुझे पता था ढूंढते हुए पतिदेव ज़रूर आएंगे, तो आप लोग भी देख सकते हो। मैंने पहले ही बता दिया, मुझे पता है मुझे ढूंढते हुए छत पे आएंगे तो आएंगे। तो गाइस ये मेरा ब्लॉग खराब करने की पूरी कोशिश कर दिए हैं, अभी देखना मुंह बनाएंगे जरूर। हाँ मुझे पता था तुम मुझे ढूंढते हुए जरूर आओगे। तो चलिए गाइस चलती हूँ नीचे, पतिदेव को पानी वानी देती हूँ क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, पर गर्मी कुछ ज़्यादा ही हो रही है, आपको दिख रहा होगा गर्मी हो रही है। बस ये है कि हाँ बारिश का मौसम है तो थोड़ा बहुत सही रहता है कभी कभी। तो चलिए पतिदेव को पानी वानी दे के फिर मिलती हूँ, क्योंकि आना है, पौधों को भी थोड़ी सी साफ़ सफाई करनी है, पत्ते वगैरह झड़े हुए हैं, तो मिलती हूँ थोड़ी देर में, बने रहें आप लोग। तो गाइस मौसम देख के लग रहा था कि बूंद आएगी, तो बूंद आ गई है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, और पतिदेव गाइस तुरंत ही चले गए जैसे आए, क्योंकि हमारी टीवी मैंने पहले ही बताया था ख़राब हो चुकी है, तो जहाँ बनने के लिए दिए थे वहाँ पानी की वजह से मार्केट बंद है, तो टीवी तो जैसे तैसे वो ले आए दूसरी जगह, यहीं पास में देने के लिए गए हैं देने, क्योंकि आजकल न्यूज़ इतने अच्छे आ रहे हैं, मतलब इतना दुनिया में कुछ हो रहा है तो न्यूज़ नहीं देख पा रहे हम लोग, मोबाइल में देखते हैं, तो मैंने कहा दे आओ दूसरी जगह, तो वहाँ से उठा लाए टीवी, दूसरी जगह गए देने, देखो कल तक परसों तक शायद बन के आ जाए। तो मौसम मेरे पीछे गाइस बहुत ही प्यारा, बहुत हल्की हल्की बूंद पड़ रही है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं चलती हूँ छत पे, थोड़े से पौधों की सफाई भी कर देती हूँ क्योंकि पतिदेव तो चले गए आए थे, तो मिलती हूँ छत पे चल के आपसे। तो आ गई हूँ गाइस मैं छत पे, और मैं एक अमरूद ले आई हूँ क्योंकि पतिदेव ये लाए थे अपनी ऑफिस से अमरूद, उनके ऑफिस में फरा हुआ है अमरूद, मुझे बहुत पसंद है गाइस। वाह कितनी प्यारी हवा चल रही है, हल्के हल्के से झीरे गिर रहे हैं, और हवा आप मेरे पीछे मेरे पौधों को देख के समझ सकते हो बहुत प्यारी चल रही है। तो मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ, तो गाइस बाहर का जो नज़ारा है कुछ इस तरह से है, हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं, आपको दिख रही होंगी, हवा बहुत ही प्यारी चल रही है। पीछे गाइस आपको हमारे पतिदेव का ऑफिस दिख रहा होगा, जो बिल्डिंगें दिख रही हैं ना वही है, तो बहुत नज़दीक ड्यूटी करते हैं ये। तो हल्की हल्की बारिश हो रही है गाइस, बहुत अच्छा लग रहा है। गाइस मैंने आपको दिखाया ही नहीं मेरा छत, देख लीजिए इतनी बारिश यहाँ पे हुई है ना, पूरे छत काले पड़ गए हैं, तो आप देख सकते हो छत कैसे काले काले से पड़ गए, क्योंकि बारिश हो रही है ना, प्रॉपर बारिश ही हुई जा रही है, तो छत सूख नहीं पा रहे, तो इनमें क्या काई जम गए, क्योंकि ज़्यादा बारिश होती है ना तो ये फिसलन सी होती है।
तो भैया किस किस को अमरूद खाना पसंद है? मुझे बहुत पसंद है तो मैं खा लेती हूँ, आप लोग भी खा लीजिए। देखने में इतना कच्चा कच्चा है पर बहुत अंदर से पका पका सा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है गाइस तेज वाली बारिश आने वाली है क्योंकि वहाँ पूरा दुधला दुधला सा हो गया है। तो गाइस आज मैं मंदिर गई थी, मेरा टीका अभी तक नहीं छूटा है, बहुत ही फेवरेट टीका है। मैं ये चंदन वहाँ से लाई थी खाटू श्याम जी से, बहुत ही प्यारा चंदन है और इसकी खुशबू इतनी अच्छी है क्या बताऊँ। तो चलिए गाइस अमरूद अमरूद खा के मिलती हूँ आपसे। तो गाइस यहाँ पे हो रही है बारिश और मुझे बहुत पसंद है बारिश, इसलिए मैं यहाँ पे बैठ के देख रही हूँ और मन अंदर से ना कुछ उदास सा हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है कुछ भी, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। तो मैं यहाँ पे काफ़ी देर से बैठी हुई हूँ, पतिदेव भी नहीं है घर पे और कभी कभी अकेलापन ना गाइस इंसान को बहुत अंदर तक तोड़ देता है, क्योंकि हस्बैंड जी शाम को घर पे आते हैं, फिर खाना पीना सोना, उसके बाद पूरे दिन अकेले रहना इंसान के लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे आस पड़ोस में भी कोई नहीं है, मतलब एक तरफ स्कूल है दूसरी तरफ सिलाई सेंटर है, जैसे मतलब होता है ना आस पड़ोसी रहते हैं तो इंसान बात वगैरह कर लेता है, तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे साथ। तो मैं ब्लॉग बनाती हूँ, बाकी पूरे दिन घर का काम वगैरह जो मतलब जो भी रहता है, उसके बाद जो काम नहीं है तो फिर सोना बैठना यही सब है। तो कभी कभी अंदर से ना मन बहुत उदास होता है, अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है जी भर के रो लें और कोई देखे भी ना, क्या बताऊँ आप लोग समझ सकते हो एक अकेले इंसान का दर्द, मतलब इतनी फैमिली सब कुछ होने के बाद यहाँ अकेले रहना बहुत बहुत बुरा लगता है। कभी कभी गांव जाके वहाँ से आने का मन नहीं करता पर मजबूरी है, रहना तो है ही। तो कोई नहीं है, ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगी वरना मैं रो दूँगी, क्योंकि मन अंदर से ऐसे भी बहुत उदास है, रोने का मन कर रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं मैं रोऊँगी नहीं, क्योंकि अकेले रहने की आदत डालनी है, अब रहना तो अकेले ही है, देखते हैं क्या होता है लाइफ में। तो चलिए आज मिलती हूँ थोड़ी देर में, क्योंकि शाम हो गई, मैं काफ़ी देर से यहाँ बैठे बैठे सोच रही थी, ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, फिर मैंने सोचा थोड़ा सा शूट कर लूँ, थोड़ा सा आप लोग के साथ शेयर करने से ना मेरा मन थोड़ा हल्का हो जाता है, मुझे भी अच्छा फील होने लगता है अंदर से, तो इसलिए मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। आप लोग ये मत सोचिएगा कि मुझे कोई टेंशन है या फिर कुछ और है, कुछ भी नहीं है, पर इंसान कितना भी मतलब खुश हो अकेलापन उसे थोड़ा बहुत तो सताता है, ये आपको पता होगा। तो चलिए गाइस मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो गाइस यहाँ पे पतिदेव भी आ गए हैं टीवी दे करके और बहुत गर्मी हो रही है, शाम के बज गए हैं 6, हाथ मुँह धुलती हूँ, थोड़ी देर में पूजा करने का टाइम हो जाए, क्योंकि वैसे ही बाहर पूरा बिल्कुल ही अंधेरा हो चुका है बारिश की वजह से, हल्की हल्की बूंदें पड़ रही है अभी भी और मैं नीचे आ गई हूँ, तो मिलती हूँ थोड़ी देर में किसका है? तो गाइस वापस से आ गई हूँ मैं छत पे और बादल बादल जितने जितने उड़ गए हैं पीछे हैं थोड़े बहुत, तो मैं वीडियो एंड करने आ गई हूँ क्योंकि नीचे लाइट नहीं थी और पूरा अंधेरा हो रखा है, तो मैंने सोचा मैं वीडियो एंड कराती हूँ, थोड़ा थोड़ा उजाला है। तो गाइज आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के देखना ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर।